नेमिंग ऑफ सम स्पेशल कॉम्प्लेक्सेस एंड कॉम्प्लेक्सेस विथ ब्रिजिंग लिगेंड। स्पेशल कॉम्प्लेक्सेस और ब्रिजिंग लिगेंड्स की किस तरीके से नेमिंग होगी? तो पहला पॉइंट इसमें लिख लीजिए, द नेम ऑफ ब्रिज लिगेंड इज प्रिफिक्स्ड बाय म्यू, प्रिफिक्स्ड बाय म्यू। हम ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा लिगेंड हो जो ब्रिज का काम कर रहा हो, ऐसे लिगेंड को हम प्रिफिक्स करते हैं म्यू से। अच्छा, सेकेंड पॉइंट, इफ द सिचुएशन ऑन बोथ साइड ऑफ द ब्रिज इज सिमेट्रिकल, then we can write the name of remaining complex at one place। कहने का ये मतलब है, कहने का अर्थ ये है कि देखिए पहले एग्जाम्पल को, अगर मान लीजिए लीगेंड कुछ इस तरीके से हो कि NH3 5 क्रोमियम और OH बीच में है, फिर इधर है क्रोमियम, फिर है NH3 5 और लगा है Cl5। इस कॉम्प्लेक्स का नेमिंग करना है तो जरा ध्यान देंगे तरफ, तो OH जो है वो दो सेंट्रल एटम को जोड़ने का काम कर रहा है, तो इस OH को कहेंगे हम ब्रिजिंग लिगेंड। ऐसे लिगेंड जो दो सेंट्रल एटम को जोड़ेंगे, ऐसे लिगेंड को कहेंगे ब्रिजिंग लिगेंड। अब ब्रिजिंग लिगेंड के देखिए दोनों तरफ एक जैसा ही सिचुएशन है, यानी इधर जो ग्रुप लगे हैं और इधर जो ग्रुप लगे हैं वो दोनों एक जैसे हैं, तो इन केसेस में आप करते ये है कि दोनों हिस्से जो एक जैसे हैं उनको एक साथ लिख दिया जाएगा और उसमें फिर हम एक साथ लगा के लिख देंगे बिस, बताने के लिए कि दोनों तरफ एक जैसा है। तो इसका एक तरीका जो है लिखने का वो ये है कि लिगेंड को पहले लिख देते हैं जो ब्रिज में, तो ये हो जाएगा इसका नाम म्यू हाइड्रोक्साइडो। फिर दोनों हिस्से क्योंकि एक जैसे हैं तो इसको लिखेंगे हम बिस पेंटा अमीन क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट 3 ब्रैकेट क्लोज स्पेस लगा के क्लोराइड। ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने पहले ही निकाल लिया था, अगर आपको अभी भी डाउट है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। NH3 0 है क्रोमियम पे, मान लीजिए एक्स ओ एच पे -1 होगा, क्रोमियम पे अगेन एक्स है NH3 0 है, क्लोरीन पे -1 है तो -1 × 5 यानी इसके ऊपर +5 है, तो 2x-1 शुड बी इक्वल टू +5, तो एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी। एक और तरीका है लिखने का, देखो दूसरा तरीका जो है वो बोलता है इतना करने की जरूरत नहीं है, एक एंड से यानी कि लेफ्ट एंड से लिखना शुरू करें और लिखते लिखते चले जाए। देखो मैं लिख के बताता हूं, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा पेंटा अमीन क्रोमियम 3 म्यू हाइड्रोक्साइडो, फिर लिखूंगा पेंटा अमीन क्रोमियम 3 स्पेस क्लोराइड।
ओके तो हम एक एंड से लिखते चले जाएंगे पेंटामीन क्रोमियम, फिर म्यू हाइड्रोक्साइड, देन फिर पेंटामीन क्रोमियम, फिर स्पेस लगा के और फ्लोराइड। कौन सा आसान तरीका है दोनों में से? फर्स्ट वन इज इजियर, बट फर्स्ट वन का लिमिटेशन देख पा रहे हैं आप? जब दोनों तरफ एक जैसा हो तभी यूज कर सकते हैं। मान लो एक तरफ क्रोमियम लगा होता और दूसरी तरफ कोबाल्ट होता, तब फिर आपको सेकेंड मेथड ही यूज करना पड़ता, फिर उसके बाद आप फर्स्ट मेथड यूज नहीं कर सकते। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि दोनों ही जरूरी है, दोनों ही आने चाहिए, क्योंकि जब अलग अलग होंगे दोनों एंड्स तब हम ये वाला मेथड, फर्स्ट वाला मेथड यूज नहीं कर सकते, तब सेकेंड ही यूज करना पड़ेगा। ओके तो सेकेंड पॉइंट यहां लिख लेते हैं। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल ऑन बोथ साइड ऑफ द ब्रिज we have to follow second rule, we have to follow the second rule, that is write the name of one side, then that of bridge, and then the second side. Okay, point clear है? एक example और देख लीजिए इसको समझने के लिए। H2O लगा देता हूं चार, एक है कोबाल्ट OH और इधर है NH2 क्रोमियम NH3 4 SO4 2। इसका जरा नाम कर दो, क्या नाम आना चाहिए? ओके हो गया। तो एक एंड से लिखना शुरू करेंगे, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट जरा निकाल लीजिए। तो सल्फेट है -2 इंटू टू यानी कि +4 हो जाएगा इधर। NH3 0, H2O 0, OH पे -1 होगा हाइड्रोक्साइडो, NH2 पे -1 होगा अमाइडो। तो कोबाल्ट पे अगर X है, क्रोमियम पे X है, तो X 2X माइनस 2 इक्वल टू +4, तो X की वैल्यू कितनी आ गई? +3 आ जाएगा। अभी भी डाउट है? 2X माइनस 2 इक्वल टू +4, X की वैल्यू कितनी आएगी? +3। जरा नाम लिखें क्या आएगा। टेट्रा एक्वा कोबाल्ट 3। अब जब दो लिगेंड लगे होंगे तो क्या करेंगे आप ब्रिजिंग में? अल्फाबेटिकल, जहां पे कुछ नहीं लगता वहां अल्फाबेटिकल लगता है। तो एक है हमारे पास हाइड्रोक्साइडो और एक है हमारे पास अमाइडो, तो अल्फाबेटिकल ही आ जाएगा। म्यू लगाना ना भूलें, ये म्यू बता रहा है कि ब्रिजिंग है, जो जो ब्रिजिंग में उसके आगे म्यू लगा। तो म्यू अमाइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो, then tetra mu hydroxide,
अमीन, क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट 3, स्पेस लगा के सल्फेट। ओके सर, वो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाले वो नहीं समझा। हमने ये कहा कि लेट द ऑक्सीडेशन नंबर बी एक्स, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता आपने को, लेट दैट बी एक्स। सो कोबाल्ट पे एक्स है, क्रोमियम पे एक्स है, सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी इक्वल टू प्लस 4, तो 2x, OH पे माइनस 1, NH2 पे माइनस 1, तो 2x माइनस 2 इक्वल टू प्लस 4 हो जाएगा। सो H2O इज न्यूट्रल राइट, NH3 इज ऑल्सो न्यूट्रल, तो उसका 0-0 ले लिया हमने, उसको नहीं लिखा है मैंने यहाँ, बस OH का लिखा है। अब ये अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि सर OH के तो आपने दो बॉन्ड बना दिए हैं यहाँ पे, इस पे माइनस वन कैसे आ रहा है, तो देखो OH जो था OH माइनस वन है और ये जो बॉन्ड बन रहा है दिस इज नॉट अ नॉर्मल बॉन्ड, दिस इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो उससे परेशान मत हो जाना कि ये क्या हो गया ऑक्सीडेशन, वो जो चार्ज था उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। सर, यस सर, हेलो सर, हाँ बोलो 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 सर, वहाँ पे अपने दो बार, सर वहाँ पे अपने दो बार म्यू क्यों किए? अरे म्यू अमाइडो ना, अमाइडो ब्रिजिंग में है और म्यू हाइड्रोक्साइडो, बिकॉज हाइड्रोक्साइडो भी म्यू है, दैट इज ब्रिजिंग में है। तो अगर मैं हाइड्रोक्साइडो के आगे नहीं लगाऊंगा म्यू, इसका मतलब वो नॉर्मल लिगेंड है, ब्रिजिंग नहीं है। यस सर, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम, फटाफट से इसका नेम कर दो, H2O4Fe। So, इसका नाम आ जाएगा, देखिए दोनों तरफ से एक जैसा है ये, तो ये सिमेट्रिकल वाले केस में लिखा जाएगा, और OH OH दो बार है यहाँ पे, OH माइनस OH माइनस, तो मैं लिखता हूं इसको डाई म्यू हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो जो लिगेंड था म्यू वाला वो दो बार आ चुका है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया आयरन का आपने यहाँ पे, म्यू डाई हाइड्रोक्साइडो बिस टेट्रा एक्वा आयरन, आयरन आएगा कि फेरेट आएगा? आयरन सर, बिकॉज ओवरऑल देयर इज प्लस 4 आयरन 2, स्पेस लगाओ सल्फेट, प्लस 4 प्लस 2 आएगा कि 3 आएगा, जरा चेक कर लू मैं एक बार, OH पे माइनस 1 है, OH पे माइनस 1 है, आयरन पे पता नहीं, लेट इट बी x एंड x, तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 2 शुड बी इक्वल टू प्लस 4, कितना आ रहा है x? 3 आ रहा है, गलत सलत बताते रहते हो तुम लोग, है ना, पेन चलाओ पेन चलाओ, कितनी बार कहा है तुम लोगों को, थोड़ा सा कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ तो 3 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल चलो इसको ट्राई करो सर, इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, वो दूसरे तरीके वाला एक बार बता दीजिए। नहीं तो दूसरा तरीका लिखना का जरूरत क्या है, पर ठीक है चलो देखो, मैं लिख के नहीं बताऊंगा, बस ओरली बता रहा हूँ, टेट्रा एक्वा आयरन 3 डाई म्यू हाइड्रोक्साइडो टेट्रा एक्वा आयरन 3 स्पेस सल्फेट, समझ में आया क्या किया मैंने? तो क्योंकि दो बार OH आ रहा था तो मैंने वहां डाई म्यू हाइड्रोक्साइडो ही लिखा है, टेट्रा एक्वा आयरन डाई म्यू हाइड्रोक्साइडो
टेट्रा एक्वा आयरन, अच्छा थ्री लगाना भूल गया, आयरन के बाद थ्री लगाएंगे हम बताने के लिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट थ्री। नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करो जरा, और दोनों मेथड से ट्राई करो आप एक बार। सर म्यू अमीनो म्यू हाइड्रोक्साइडो इथाइलिन डायामिन कोबाल्ट प्लस थ्री। ओके, तो अगर सिमेट्रिकल वाले केस मान के देखें तो ये होना चाहिए था म्यू अमाइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो बेस, बेस फिर ब्रैकेट लगाओ, देन इथिलीन डायमीन दो बार है तो वो दो बार भी बताना पड़ेगा ना आपको, तो बेस डायमीन, या आप इथेन 1.2 डायमीन भी लिख सकते थे, इथेन 1.2 डायमीन भी लिख सकते थे, बिस इथिलीन डायमीन कोबाल्ट थ्री, फिर स्पेस लगाओ और सल्फेट। दूसरा तरीका क्या से कैसे लिखेंगे जरा बताओ, बेस सर बेस इथिलीन डायमीन कोबाल्ट थ्री म्यू अमाइडो म्यू हाइड्रोक्साइडो बेस इथिलीन डायमीन कोबाल्ट थ्री स्पेस और सल्फेट, ये हो जाएगा दूसरा तरीका नेम करने का। ओके, सम स्पेशल कॉम्प्लेक्सेस का नेमिंग कैसे करेंगे उस पे आता हूं मैं। ये मेरे को लगता है क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं होगा इसमें, ब्रिजिंग लिगेंड को किस तरीके से नेमिंग करना है, नेमिंग ऑफ स्पेशल कॉम्प्लेक्स। सो कुछ स्पेशल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जैसे एक कॉम्प्लेक्स है Fe और इसमें इस तरीके से साइक्लोपेंटा डाइनाइल, बेसिकली इस साइक्लोपेंटेन पे आप देखेंगे -1 चार्ज है ओवरऑल, इस पे भी -1 है, और इधर से ये जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो आयरन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। सिमिलरली यहाँ पे ये जो पांच कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो Fe प्लस टू को डोनेट किया जा रहा है, Fe जो है वो न्यूट्रल नहीं है, वो प्लस टू स्टेट, Fe प्लस टू, तो बीच में Fe का एटम है सेंटर में, इसके ऊपर पांच वाला क्लाउड है एक, और इसके नीचे एक क्लाउड है, तो एक तरीके से ऊपर और नीचे पांच पांच का क्लाउड है और बीच में Fe, एक तरीके का सैंडविच जैसा बन गया, देख पा रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो, तो पांच इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसा नहीं है, ऐसा है बिल्कुल फ्लैट,
बीच में Fe प्लस टू है और ये नीचे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड का पांच है, तो ये बीच में बिल्कुल Fe प्लस टू जो है ये सैंडविच कॉम्प्लेक्सेस के नाम से भी इसको जाना जाता है। स्पेशल कॉम्प्लेक्सेस हैं ये, स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है जो एरोमेटिसिटी में यूज हो रहा है वो डोनेट हो रहा है यहाँ पे Fe प्लस टू। सो ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास में ये कुछ इस तरीके का है, दो पाई बॉन्ड है और एक माइनस वन। माइनस वन जो है उसको मैं ऐसे दिखा देता हूं, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दो दो चार और दो छह, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, दैट मींस दिस रिंग इज एरोमेटिक और इसका नाम क्या है, साइक्लो डाइनाइल एनायन, साइक्लोपेंटा डाइनाइल एनायन नाम है इसका। तो इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसको आप ऐसे भी दिखा देते हैं क्योंकि ये जो माइनस वन चार्ज है ये फिक्स्ड नहीं है, तो कहाँ है भाई ये डीलोकलाइज हो रहा है, तो ये सारे पोजीशन पे जाएगा, तो हम क्या करते हैं बीच में ऐसे सर्कल लगा देते हैं बताने के लिए कि ये एरोमेटिक है, और ये माइनस वन भी क्योंकि डीलोकलाइज हो रहा है तो मैं यहां माइनस वन लिख दूंगा। इससे क्या पता चल रहा है कि हर पोजीशन पे माइनस वन जा रहा है एक एक बार। तो ये हो गया इसका नाम जो है कॉमन नेम, इज फेरोसीन। हमें बात करनी है आईयूपीएसी नेम की, फेरोसीन कॉमन नेम है, आईयूपीएसी नेम इसका क्या होगा। तो इन केस में जहां ये पांच इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे थे, ऊपर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और ये जो नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट हो रहा है Fe प्लस टू को, तो जितने एटम्स पे ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैला हुआ था वो आपको देखना होगा। जैसे यहां देखो पांच एटम्स पे था ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैला हुआ, पॉइंट क्लियर है, पांच एटम्स पे था। अब इसे इसे आप ऐसे भी लिखेंगे, इसको अगर फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा Fe, देन वी हैव टू यूज ब्रैकेट ईटा टू दी पावर फाइव, क्यों लगाया फाइव, बताने के लिए कि पांच कार्बन एटम के ऊपर में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो शेयर हो रहा था, तो ईटा टू दी पावर फाइव सी फाइव एच फाइव। अब सी फाइव एच फाइव पे माइनस वन है, Fe पे प्लस टू है, ओवरऑल चार्ज कितना होगा कॉम्प्लेक्स पे, कितना चार्ज होगा ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे, दैट इज जीरो। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स, इसका आईयूपीएसी नेम करना है अब हमें, तो इसे लिख दिया जाएगा बिस, देखिए ध्यान से, बिस साइक्लो पेंटा डाइनाइल, बिस साइक्लोपेंटा डाइनाइल आयरन, क्लियर है पॉइंट, देख पा रहे हैं नाम, दिस इज अ सैंडविच कॉम्प्लेक्स। सर वो फॉर्मूला एक बार बताइए, ईटा टू द पावर फाइव, बस एक चीज ध्यान रखो यहाँ, ईटा टू द पावर फाइव क्या बता रहा है, कितने कार्बन एटम के ऊपर में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयर्ड है जिसको आपने डोनेट किया है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था ये पांच एटम पे शेयर्ड था, तो ईटा, जैसे एक और एग्जांपल देखो, लेट्स से वी हैव बताओ इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, और इसका आईयूपीएसी नाम होगा। इमेजिन करो साइक्लोहेक्सेन नीचे, मतलब बेंजीन नीचे है, एक बेंजीन ऊपर है ऐसे, तो और बीच में क्रोमियम का एटम, तो ऊपर नीचे दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, फॉर्मूला क्या आएगा इसका लिखा, बोलो आया कि नहीं, क्रोमियम सेंट्रल एटम है,
ईटा कितना आएगा? तो साइक्लोहेक्सेन में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, सॉरी साइक्लोहेक्सेन नहीं, बेंजीन में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो 6 पे शेयर्ड है, तो ईटा टू द पावर 6C6H6। बताइए जरा इसका IUPAC नेम क्या आएगा, और ये कितना है भाई? दो है, यहाँ पे दो लगाना ना भूलें। ओके, ईटा टू द पावर C5H5, ऐसे दो थे, यहाँ पे टू लगाना था मुझे, टू नहीं लगाया मैंने, ध्यान रखें इसका। अच्छा, नाम क्या होगा इसका IUPAC? क्रोमियम भी ब्रैकेट के अंदर आएगा ना? अगर हमें लगाना है तो एक बड़ा ब्रैकेट लगाया जा सकता है इस तरीके से, नहीं लगाना है बड़ा ब्रैकेट तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो भी चल जाएगा। खैर, IUPAC नेम क्या होगा इसका? बिस बेंजीन क्रोमियम फिनाइल। बिस, नो, दिस इज बिस बेंजीन, बेंजीन लिखेंगे इसे एज अ लिगेंड, क्रोमियम। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट? जीरो। वन मोर एग्जांपल वी कैन ट्राई, इसी तरीके से और भी ले। वो ऊपर वाले का नेम याद रखना है, ऊपर वाले कॉमन नेम क्या है? फेरोसीन, फेरोसीन इज द कॉमन नेम। नेचर ये अभी आपने जो बताया, नहीं इसका यही नाम याद रखना है, इसका कॉमन नेम नहीं। यस, मतलब है भी तो वो काम का नहीं है हमारे, फिलहाल यही नाम याद रखना है आपको। सर लैग हो रहा थोड़ा। सर वो टाइटेनियम एटम है ना? यस, Ti इज टाइटेनियम। वेरी ठीक था। -1 -1। क्या आप इसका फॉर्मूला बता सकते हैं? टाइटेनियम, ईटा टू द पावर 5, C5H5, ऐसे कितने लगे हैं? 4। चार्ज कितना आएगा? 4। 4 आएगा, टाइटेनियम पे +4, और हर ऐसे C5H5 पे -1 है ना। सर नेम नहीं लिखना है उसका? लिख सकते हैं, क्या नाम आएगा बताओ? पेट्राकिस साइक्लो पेंटा डायवेनिल टाइटेनियम 4। दैट इज करेक्ट। सो दिस इज साइक्लो, सॉरी इसका नाम आएगा टेट्राकिस साइक्लो पेंटा डायइनाइल टाइटेनियम, ब्रैकेट में 4 लिखेंगे, टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 4। लास्ट वन ये एग्जांपल आप देखिए, इस पे ओवरऑल चार्ज देखेंगे अगर हम पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर, तो ये है -1। जरा इसे रिप्रेजेंट करो फॉर्मूले के फॉर्म में, किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे इसे, और इसका नाम क्या होगा? So this is PtCl3, eta to the power 2, C2H2, C2H4, and overall we have a -1 charge. इसका नाम लिखना है अगर हम, तो लिख सकते हैं ट्राइक्लोराइडो ट्राइक्लोराइडो इथिलीन
प्लैटिनेट और प्लैटिनम? प्लैटिनेट बिकॉज इट इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स इज एनायनिक तो दिस विल बिकम प्लैटिनेट टू और आई. इसका कॉमन नेम जो है ये ध्यान रखिएगा, इसका कॉमन नेम है जीसस सॉल्ट. जीसस सॉल्ट, जीसस सॉल्ट. तो ये था कुछ स्पेशल केसेस जिनका नेमिंग हम लोगों ने देखा. एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपसे मैं पूछूं कि देखो ये कार्बन कार्बन के जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, क्या ये बॉन्ड लेंथ एक नॉर्मल इथिलीन जो कि ये था, इसके बॉन्ड लेंथ से ज्यादा होगा, कम होगा या बराबर होगा? कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है इस जीसस सॉल्ट के अंदर में, क्या वो एक नॉर्मल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से बड़ा होगा या छोटा होगा? छोटा होगा. क्यों सर? बड़ा होगा. रीजन, रीजन चाहिए मुझे सर, क्योंकि प्लैटिनम को वो थोड़ा शेयर होगा इसलिए. तो कार्बन कार्बन, हाँ तो कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड था, इस डबल बॉन्ड का मतलब है कि यहाँ जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड थे वो आपने प्लैटिनम को डोनेट कर दिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब कार्बन कार्बन के बीच में जो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स थे वो कम हो गए. तो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स जो दोनों को होल्ड करके रख रहे थे कार्बन कार्बन को आपस में, वो कम हो गए तो क्या होगा, ये दूर चले जाएंगे. तो सिंपल शब्दों में कहें तो बॉन्ड लेंथ हमेशा बढ़ जाएगा, क्योंकि इनके खुद के बीच के इलेक्ट्रॉन्स ही तो डोनेट कर दिया आपने. तो बॉन्ड लेंथ ऑफ सी डबल बॉन्ड सी will increase as compared to normal carbon double bond carbon. और ये इस वजह से ही हुआ है, bond length increase इस वजह से ही हुआ है क्योंकि carbon carbon pi electron cloud को आपने donate कर दिया था, तो availability कम हो गई दो के बीच में, तो bond length increase हो गया. अब bond order पूछ लेगा तो हम क्या करेंगे, bond length and bond order are इनवर्सली प्रोपोर्शनल. बॉन्ड लेंथ बड़ा है तो बॉन्ड ऑर्डर जरूर कम हो गया होगा, इस हिसाब से चल सकते हैं. ओके, अब आते हैं हम बॉन्डिंग पे. तो ये हो गया नोमेनक्लेचर कंप्लीट. आगे लिखेंगे हम बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझने के लिए तीन थ्योरीज हैं. सबसे पहला थ्योरी है वर्नर थ्योरी, दूसरा थ्योरी होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, और तीसरा थ्योरी होता है सीएफटी जिसे कहते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. शुरुआत करेंगे हम सबसे पहली थ्योरी से, जो सबसे बोलते हैं ऐसा कि वर्नर थ्योरी जो थी, इस थ्योरी ने ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अलग से पढ़ना आसान किया. इसके पहले लोग इमेजिन ही नहीं कर पा रहे थे कि किस तरीके का स्ट्रक्चर हो सकता है. तो ये बहुत ही पायोनियर थ्योरी, सबसे पहली जो थ्योरी थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी थी. अल्फ्रेड वर्नर को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक तरीके से उनको बताया जाता है कि उनकी वजह से ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर इतना आगे पढ़ पाए लोग और रिसर्च कर पाए, क्योंकि उन्होंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरी दी थी. उसके बाद फिर आगे चल के वर्नर थ्योरी कुछ चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तो फिर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ते हैं. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी कुछ लिमिटेशन है, उनको ओवरकम करने के लिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो है लिगैंड फील्ड थ्योरी, बट उसके बारे में बात नहीं करेंगे, सिमिलर टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी तक ही होता है, तो हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी तक ही बात करेंगे. अच्छा, तो वर्नर थ्योरी, अल्फ्रेड वर्नर थे जिन्होंने काम किया था
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को स्टडी करने के लिए हम मेन उनके जो पॉसुलेट्स थे उनकी थ्योरी के उनको लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं पॉसुलेट्स और फिर मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा। बहुत ही सिंपल थ्योरी था, सिंपल अब लग रहा है क्योंकि अब हम लोगों को स्ट्रक्चर वगैरह समझ में आ गए हैं चीजों के। जब ये थ्योरी दी थी तो उस समय बहुत ही क्रांतिकारी थ्योरी थी उस समय की। सो पॉसुलेट ये कहता है कि मेटल जो है वो दो तरीके के लिंकेज लगाते हैं। अच्छा, वो दो तरीके की लिंकेज जो होती है उनको कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी या प्राइमरी लिंकेज, और दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी या सेकेंडरी लिंकेज। जो प्राइमरी वैलेंसी है या प्राइमरी लिंकेज जो है वो सिर्फ नेगेटिवली चार्ज वाले ही सेटिस्फाई कर सकते हैं। नेगेटिवली चार्ज आयंस, नेगेटिवली चार्ज नॉन मेटल्स या नेगेटिवली चार्ज ग्रुप्स ही सेटिस्फाई कर सकते हैं। और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कोई भी नॉन मेटल वाला पार्ट सेटिस्फाई कर सकता है। कहने का उनका ये मतलब था कि दो तरीके की वैलेंसी, एक चार्ज बैलेंस करने के लिए और एक कोऑर्डिनेशन नंबर बैलेंस करने के लिए, दो तरीके की वैलेंसी होनी चाहिए। तो सेकेंडरी वैलेंसी एक तरीके से कोऑर्डिनेशन नंबर है और प्राइमरी वैलेंसी जो है वो चार्ज बैलेंस करने के लिए। तो ये दो तरीके की वैलेंसीज होती है। पहले उन्होंने कहा कि आप दो तरीके की वैलेंसीज माने, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि देखो हम सेकेंडरी वैलेंसीज को देख के कंपाउंड का स्ट्रक्चर बता सकते हैं, क्या ये लीनियर मॉलिक्यूल होगा, क्या ये ट्राइगोनल प्लानर होगा, क्या ये टेट्राहेड्रल होगा, क्या ये स्क्वायर प्लानर होगा, क्या ये ऑक्टाहेड्रल होगा, तो शेप कैसे दिखाएंगे उसके बारे में वो बात करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी को देख। तो मैं पहले शुरुआत करता हूं सबसे पहले जो उन्होंने कहा था उससे, दैट मेटल एक्सर्ट्स टू टाइप्स ऑफ लिंकेजेस, और वैलेंसीज। तो पहला है प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी और इसे आयोनाइजेबल वैलेंसी भी कहते हैं, और आयोनाइजेबल लिंकेज कहिए या वैलेंसी कहिए। प्राइमरी वैलेंसी और आयोनाइजेबल वैलेंसी लिखें इसमें, दिस इज सेटिस्फाइड बाय negatively charged, satisfied by negative ion, negatively charged ion or negative ion, and equal the oxidation state of the metal. ऑक्सीडेशन स्टेट जो मेटल का है उसके बराबर होगा। सेकेंड लिखेंगे हम सेकेंडरी और नॉन आयोनाइजेबल, नॉन आयोनाइजेबल जेड कर देते हैं, नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी और लिंकेज। सो सेकेंडरी और नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी यूज किया जाएगा, लिख लीजिएगा यहां पे, कैन बी सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल और नेगेटिव आयंस और ग्रुप्स और समटाइम्स
कैटायनिक स्पीशीज द सेकेंडरी लिंकेज equals the coordination number of central metal atom or ion. This number is fixed for a metal. कहने का मतलब ये है कि जो सेकेंडरी लिंकेज है या सेकेंडरी वेलेंसी जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है. जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतना ही सेकेंडरी वेलेंसी होगी, सेकेंडरी लिंकेज होगा. सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉसुलेट, the ions or groups bound by secondary valency have characteristic spatial arrangement have characteristic spatial arrangement corresponding to different coordination number. Such spatial arrangement is called coordination polyhedra. इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा. जैसे कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर है 2 तो जो स्ट्रक्चर है, जो कोऑर्डिनेट, जो स्ट्रक्चर है या ज्योमेट्री है वो लीनियर होगी. अगर कोऑर्डिनेशन नंबर है 3 तो क्या होगा बताओ? तो होगा ट्राइंगुलर, या आप इसे ही कहते थे ट्राइगोनल प्लानर. बट यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी होती है, एक ट्राइगोनल प्लानर होता है और एक ट्राइगोनल में थोड़ा सा बेंट हो जाएगा, वो एग्जैक्ट 180 डिग्री नहीं होगा. तो फिलहाल हम ट्राइंगुलर ही लिख लेते हैं. यहाँ पे लिखना ट्राइगोनल, थोड़ा ऊपर लिख दी, ट्राइगोनल प्लानर भी इसमें ही आता है. हाँ, तो हम यहाँ कह रहे हैं कि जो सेकेंडरी वेलेंसी होगी ना वो कोऑर्डिनेशन नंबर, बस इतना याद रखें. तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पता है आपको तो आप स्ट्रक्चर बता सकते हैं. कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा तो लीनियर होगा, यानी कि सिर्फ 2 लगे हुए हैं लिगेंड तो लीनियर ही होना है. 3 लगे हैं तो ट्राइगोनल प्लानर, 4 लगे होंगे तो क्या होगा? टेट्राहेड्रल. जरूरी नहीं है. कोऑर्डिनेशन नंबर सिर्फ 4 होगा तो दो पॉसिबिलिटी बनते हैं. दो पॉसिबिलिटी है, एक हो सकता है टेट्राहेड्रल. मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको टेट्राहेड्रल का मतलब, sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब आएगा तभी टेट्राहेड्रल. और दूसरा है स्क्वायर प्लानर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में. ये तब आएगा जब हाइब्रिडाइजेशन dsp2. हाइब्रिडाइजेशन हम अगली थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ेंगे, फिलहाल बस इसको लिख लीजिए. तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो पॉसिबिलिटी होती है, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लानर. डिपेंड करता है हाइब्रिडाइजेशन क्या है उसके हिसाब से शेप डिसाइड होगी. कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में भी दो पॉसिबिलिटी बनती है. एक होता है आप जो जानते हैं वो है, बताओ क्या है?
ट्राइगोनल बाय पिरामिडल जिसे कहते हैं टीबीपी, और दूसरा पॉसिबिलिटी यहां पे हो सकता है स्क्वायर पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल और स्क्वायर पिरामिडल, और लास्ट पॉसिबिलिटी है कोऑर्डिनेशन नंबर 60। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में एक ही शेप पॉसिबल है जो कि कहलाता है ऑक्टाहेड्रल शेप। अगर याद नहीं है तो जल्दी से एक बार रिवाइज करा देता हूं। मेटल लगा होगा अगर इधर M, 1, 2, 3, 4 और 5 और 1, 6, 1, 2, 3, 4, 4 एक प्लेन में, 2 एक ऊपर एक नीचे। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में 1, 2, 3, 3 120 डिग्री पे लगे, एक ऊपर और एक नीचे। स्क्वायर बाइपिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल 1, 2, 3, 4 और एक 5, ऐसा हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल कहेंगे इसे। स्क्वायर प्लैनर पता है हमें, 4 90 डिग्री पे लगे हों। टेट्राहेड्रल 1, 2, 3 and 4, ट्राइंगुलर या ट्राइगोनल प्लैनर 120 डिग्री लीनियर। तो ये हो गए हमारे पॉसिबल स्ट्रक्चर्स, इसके बारे में भी बात किया था वर्नर थ्योरी। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, द सेकेंडरी वैलेंसीज आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइन व्हाइल प्राइमरी वैलेंसी आर रिप्रेजेंटेड बाय डैश लाइन। द आयन विच सेटिस्फाई बोथ प्राइमरी and secondary valency are drawn with both solid and dash line. जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखें कोबाल्ट क्लोरीन H2O5 एंड Cl2, इसको रिप्रेजेंट करना है मुझे जिस तरीके से वर्नर थ्योरी कह रहा है उस हिसाब से। तो बताएं जरा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? क्लियरली दिख रहा है ना हमें, सेंट्रल एटम से 6 लिगैंड जुड़े हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ओके, डॉटेड लाइन से दिखाते हैं आप, डैश लाइन से दिखाते हैं हम लोग प्राइमरी वैलेंसी को। प्राइमरी वैलेंसी कौन दिखाते हैं? जो नेगेटिवली चार्ज होंगे। और सॉलिड लाइन से दिखाना है हमें सेकेंडरी को, सेकेंडरी का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोबाल्ट अगर सेंट्रल एटम आप ले लें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए। तो ये हमने ऑक्टाहेड्रल कर दिया। अब इसमें जो एक क्लोरीन है वो कोऑर्डिनेशन नंबर भी है और साथ ही साथ वो नेगेटिवली चार्ज भी है, तो सॉलिड और डैश दोनों बनाएंगे।
जबकि H2O जो है हमारे सारे के सारे वो सब सेकेंडरी वैलेंसी दबा रहे हैं। बाकी बचे हुए दो क्लोरीन जो बाहर लगे हुए हैं वो कैसे जोड़ेंगे आप? तो एक ये हो जाएगा, एक इधर जोड़ देता हूं, ये सिर्फ डॉटेड लाइन से जुड़ेंगे सेकेंडरी वैलेंसी। तो आप अगर देखेंगे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर तो वो प्लस थ्री है, और इस प्लस थ्री को सेटिस्फाई करने के लिए तीन प्राइमरी वैलेंसी लगे हैं, थ्री सीएल माइनस। तो प्राइमरी वैलेंसी जो होता है वो चार्ज बैलेंस करने के लिए, बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम को बराबर करने के लिए। सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर बताने के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर बाद में पता चलता है, डिस्कवर बाद में होता है नाम, जब वर्नर ने थ्योरी दिया था तब उसको सेकेंडरी वैलेंसी कहा था उन्होंने, आज हम लोग जिसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। हाँ, तो एक क्लोरीन जो है वो अंदर लगा हुआ है तो वो चार्ज बैलेंस भी कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर को सेटिस्फाई भी कर रहा है, और प्राइमरी भी है, तो मतलब सेकेंडरी भी है और प्राइमरी भी है, दोनों है, तो सॉलिड और डैश दोनों बनाएंगे। बाकी जो दो बचे क्लोरीन है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के बाहर है, कॉम्प्लेक्स के बाहर है, तो कॉम्प्लेक्स के बाहर है इसका मतलब उनको डॉटेड लाइन से सिर्फ जोड़ना है, क्योंकि वो सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर के लिए चार्ज बैलेंस कर रहे हैं, और कुछ? सर दूसरे साइड भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता, डॉटेड लाइन से जो जुड़े हैं उनको कहीं भी लगाया जा सकता है। ओके, इससे पहले कि मैं और आगे बताऊं, मैं एक रूल यहां बताना चाह रहा हूं, लिखें सिडविक सिडविक्स इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। अरे वर्नर का हो गया क्या? EAN, हाँ, वर्नर थ्योरी में इतना ही है फिलहाल, तो अभी आगे उसके एग्जांपल्स बचे, थ्योरी तुम्हें तो इतना ही। तो बेसिकली वो कहता है दो वैलेंसीज की बात करते हैं, एक प्राइमरी वैलेंसी की, एक सेकेंडरी वैलेंसी की। सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए है, प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर के लिए। बहुत ही बेसिक सा उनका थ्योरी। फिर उसके बाद वो शेप की बात करते हैं, वो हम लोग ने देख ली। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, इसको EAN रूल भी कहा जाता है। तो EAN पहले तो निकालते कैसे हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो EAN होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन द मेटल एटम। और आयन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड। ये हो जाता है EAN। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम, इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, CM लिख रहा हूं मैं इसको, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड। एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड। अब कुछ नोबल गैसेस का याद रखो। अच्छा, कहता क्या था रूल? रूल ये कहता था कि अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपने निकाला किसी कॉम्प्लेक्स के लिए
और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन के बराबर आ गया, किसी भी नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन के बराबर, तो वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ये था सिडविक का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, बट इसके बहुत एक्सेप्शन होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नोबल गैस ही आना चाहिए तभी स्टेबल होगा। बहुत से ऐसे कॉम्प्लेक्सेस मिल गए हैं जिनमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नोबल गैस के जैसा नहीं आता, तब भी कंपाउंड स्टेबल है। बट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना आना चाहिए, क्योंकि एक जगह ही अभी भी लगता है और वो है मेटल कार्बोनिल्स, यानी मेटल में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड लगा होगा वहां पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल अभी भी वैलिड है। ओके, लिख लीजिए यहां पे ईएएन रूल क्या कहता था। रूल ये कहता है द कॉम्प्लेक्स इन विच the EAN of the central atom equals the atomic number of noble of next noble are found to be extra stable. इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना आना चाहिए। अच्छा, नोबल गैस का आपको अगर नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। हीलियम जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, देन नियॉन होगा इसका एटॉमिक नंबर होगा 10, आर्गन 18, क्रिप्टॉन 36, देन वी हैव ज़ेनॉन व्हिच इज 54, और उसके बाद है रेडॉन। तो रेडॉन का आता है 86। अगर आपके पास 3D थर्ड डी वाला सीरीज है तो 3D के लिए 36 आना चाहिए, फॉर 3D सीरीज 36 आना चाहिए, फॉर 4D सीरीज 54 एंड फॉर 5D सीरीज ये आना चाहिए 86 के बराबर। हालांकि जैसे मैंने अभी बताया इसके बहुत एक्सेप्शन है, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल अब बस नाम के लिए हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर इस तरीके से, फाइंड द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। तो वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेशन का आ गया है, लेकिन स्टेबिलिटी को आप बहुत ज्यादा हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल से नहीं देख रहे होते हैं, ये हम लोग ध्यान रखें। जैसे एक आध एग्जाम्पल करें, फाइंड करोगे आप? Yes. जरा फाइंड कीजिए CONH3 6Cl3, फाइंड द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, फाइंड द EAN। तो सबसे जरूरी चीज, आपको एटॉमिक नंबर रटा हुआ होना चाहिए, कम से कम 3D सीरीज का रटा हुआ नहीं है तो मैं एक बार बता दे रहा हूं, अब आप याद कर लेना। स्कैंडियम से शुरू करेंगे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड शुरुआत कहां से करना है? स्कैंडियम शुरुआत होगी 21 से, ये रट लो, 21 से शुरू होगा, और आयरन का 26 होता है, ये याद रहना चाहिए, और खत्म होगा जिंक पे, जिंक का कितना होगा 30। कम से कम 3D सीरीज याद रखना है आपको, क्योंकि हम लोग जो कॉम्प्लेक्सेस पढ़ने वाले हैं वो सारे के सारे 3D होंगे, कुछ हम पढ़ेंगे 4D के भी, बट आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ज्यादातर चांसेस ये हैं कि वो 3D का ही होगा। ओके, सो कोबाल्ट एटॉमिक नंबर देखो, फॉर्मूला देखो जल्दी से,
EAN is equal to atomic number minus oxidation number plus number of electron donated by ligand. तो हमारे पास है कोबाल्ट, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस ऑक्सीडेशन नंबर. ऑक्सीडेशन नंबर कितना है जल्दी से निकालो, NH3O माइनस थ्री, माइनस थ्री और प्लस थ्री, कोबाल्ट पे प्लस थ्री, तो 27 माइनस थ्री हो गया प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड. NH3 कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, और ऐसे कितने लिगेंड हैं, तो 6 into 2 कितना हो गया ये 36. यस सर. नेक्स्ट एग्जांपल देखो, फाइंड करो. तो ये देखो क्या करना है, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड, दैट विल गिव द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर. अगर मैं पूछूं आपसे FeCN6 4 minus, find the EN. Sir, 36. Okay. So EAN हो जाएगा atomic number माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर था 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड, दैट इज 36. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल. FeCN6 3 माइनस. Find the effective atomic number. सर जो ऊपर वाले एग्जांपल में 35, सर ऊपर वाले एग्जांपल में 2 × 6 के लिए, because cyanide ligand जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ऐसे 6 ligand थे हमारे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड कितना हो गया, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन मिल जाएं. तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब है कि इस मेटल पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं अभी. तो एटॉमिक नंबर तो इतने इलेक्ट्रॉन थे माइनस इलेक्ट्रॉन जो लिगेंड में, जो जो ऑक्सीडेशन नंबर में सब्ट्रैक्ट होगा, तो Fe प्लस 2 था तो 2 निकाल दो, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड, लिगेंड इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो अब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा. Yes, sir. So here EAN will be equal to 26 minus oxidation number 3 plus number of electron donated by ligand 6. This comes out to be 35. हालांकि ये compound exist करता है, तो यहाँ पे एक note लिख लिया जाए. पहला, the EAN EAN rule is generally found to be not valid in case of most of the complex. In case of most of the complex, but in case of metal chlorides, metal carbonyl, sorry, chlorides, nahi, metal carbonyls. Ab metal carbonyls ye important hota hai. This rule is valid in all cases except one or two exceptions.
ओके सो एक दो एक्सेप्शन को छोड़ के दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्लास, दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्लास, तो इसको मैंने आईएमपी लिखा है. सो मेटल कार्बोनिल्स में क्योंकि वैलिड है इसलिए ये रूल हम लोगों को पता होना चाहिए. मेटल कार्बोनिल्स में एक एक्सेप्शन को छोड़ के बाकी हर जगह वैलिड. पॉइंट नंबर टू, एनओ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो है हमारा नाइट्रोसिल इज अ थ्री इलेक्ट्रॉन डोनर लिगैंड. थ्री इलेक्ट्रॉन डोनर लिगैंड यानी ये एक लिगैंड जो है वो तीन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें Fe CO5 इस कॉम्प्लेक्स में आप EN निकालेंगे तो वो दिखता है दैट इट कम्स आउट टू बी 36. अगर इसमें हम NO ऐड कर दें तो अब ये बन जाता है Fe CO2 NO2 प्लस 3CO. अब आप यहां देखें EAN अभी भी 36 है. यहां अगर आप निकालना चाहते हो तो देखो इस पर ऐसे लिखोगे आप 26 कार्बन मोनोऑक्साइड दो देगा तो 2 इंटू 2 प्लस 3 या ऐसे लिखना चाहिए मुझे प्लस 2 इंटू 3. नेक्स्ट हम देखें क्रोमियम CO6 इसमें अगर हम देख लें NO ऐड करके सर वहां पे माइनस का साइन आएगा ना 26 नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है फिर CrNO4 प्लस 6CO. तो इस केस में अब हम देखें अगर तो क्रोमियम 24 ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है प्लस NO कितना इलेक्ट्रॉन देगा 2 इंटू 3. सो बेसिकली NO जो होता है वो तीन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इतना याद रखना है आपको. बट NO प्लस 2 इंटू 3 सॉरी 2 इंटू इट शुड हैव बीन 4 इंटू 3 राइट 4 इंटू यस इट शुड हैव बीन 4 इंटू 3 2 into 3 कर दिया मैंने. NO plus is a 2 electron donor. Ligand. NO जो होगा वो NO plus जो होगा वो 2 electron donate करेगा. सिर्फ NO neutral है अगर तभी वो 3 electron donor की तरह behave करेगा. तो ये था इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल. मैं इसके ऊपर एक दो एग्जांपल्स कराऊंगा कि किस तरीके से हम लोग कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर पता करते हैं एक्सपेरिमेंटली. बोलो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा सर. वो एनओ में एक ऑक्सीजन से डोनेट होने हाँ तो कुछ इस तरीके से होता है. नहीं इस तरीके से नहीं होता. एनओ को आपको मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से समझना पड़ेगा. तो जब आप मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से समझेंगे तो उसमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है आप इसमें जेड निकालेंगे जब एनओ में तो जेड की वैल्यू आती है यहाँ पे ऑक्सीजन का 8 और नाइट्रोजन का 7 तो ये आ जाता है 15. तो उसमें से वो जो तीन इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट वाले हाइएस्ट वाले ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल वाले वो डोनेट होंगे वैसे देखना पड़ेगा. इसको आप नॉर्मल वाला स्ट्रक्चर से आप ना देखें कि एक नाइट्रोजन से या इनके बॉन्डिंग के से डोनेट हो रहा है ऐसे समझे. फिलहाल मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से देखना पड़ेगा ऐसे नॉर्मली आप इसको नहीं देखें अदरवाइज थ्री इलेक्ट्रॉन डोनर को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे. नॉर्मल स्ट्रक्चर से नहीं एक्सप्लेन होगा मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से ही एक्सप्लेन करेंगे. ओके सो ये हो गया हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल और वर्नर थ्योरी. हाँ मैं ये बता रहा था कि कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर कैसे दिखाएं कितने आयंस मिले वाटर में डिजोल्व करने पे उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड्स हैं उनके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे.
किस तरीके से होगा। फिलहाल होमवर्क लिख लेंगे हम। तो इसमें डीपीपी तो हमारा ऑर्गेनिक का लिख लीजिए आप। एक लास्ट तो बाकी है सर।